सुपरस्टार रजनीकांत ने नेल्सन दिलीप कुमार की जेलर से दमदार वापसी कर डाली है। फिल्म अपनी रिलीज के पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म भी कर रही है और कहा तो ये भी जा रहा है कि इसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर लिया है। जेलर को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक हफ्ता हो चुका है और ये अब भी बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई लगातार कर रही है। फिल्म ने 16 अगस्त को भारत में 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्निंग कर ली है, जो कि एक वीकेंड के हिसाब से काफी ज्यादा मानी जाती है। फिल्म ने महज 7 दिन में ही विक्रम के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी पछाड़ दिया है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि रजनीकांत की लेटेस्ट रिलीज फिल्म ने 8वें दिन कितने करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। रजनीकांत स्टारर जेलर भारी उम्मीदों के बीच 10 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म दुनिया भर में कई भाषाओं में रिलीज भी की गई। 16 अगस्त को जेलर ने थिएटर्स में एक सप्ताह पूरा कर लिया था और खास बात तो ये है कि अब भी इसका दबदबा कायम बना हुआ है। ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक एक्शन फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर लिया है। वहीं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी रजनीकांत की फिल्म गर्दा उड़ा रही है। अब फिल्म की रिलीज के 8वें दिन की कमाई के आंकड़े भी आ गए हैं। सेक निल की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक जेलर की कमाई में 8वें दिन भारी गिरावट देखी गई है। जेलर ने अपने रिलीज के 8वें दिन यानी कि गुरुवार को 10 करोड़ की अनुमानित कमाई भी की है। रजनीकांत की फिल्म का कुल कलेक्शन अब 235.65 करोड़ रुपए हो गया है। जेलर में रजनीकांत लीड रोल में नजर आए और इसका डायरेक्शन किया है नेल्सन दिलीप कुमार ने। फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है और संगीत अनिरुद्ध रणविजय चंदर ने किया है। जेलर 10 अगस्त को रिलीज हो चुकी है। जेलर क्रिटिकली तो नहीं बल्कि कलेक्शन के मामले में भी बाजी मार रही है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जेलर ने दुनिया भर में 416 करोड़ रुपए का कलेक्शन भी कर लिया है और इस मामले में रजनीकांत की फिल्म ने सनी देओल की गदर 2 को भी अच्छे से धो डाला है। गदर 2 ने दुनिया भर में 338.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। इससे पहले कमल हसन की विक्रम दुनिया भर में 410 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने में कामयाब रही थी, यानी जेलर ने विक्रम का भी रिकॉर्ड यहां पर तोड़ दिया है। हालांकि फिल्म की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आने में इन नंबर्स में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है और इसी के साथ थलाइवा की फिल्म कॉलीवुड की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म में तीसरे नंबर पर अब जा पहुंची है। क्या आपने जेलर देख ली? अगर देख ली तो हमें फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आखिर रजनीकांत की ये फिल्म कैसी लगी। टिल देन दिस इज मी प्रेरणा कौशिक साइनिंग आउट। We'll be right back.